उदयपुर की ये अरावली पहाड़ियाँ हैं, आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत ग्रामीण रोड, कितना खूबसूरत परिवेश। गाँव में किस प्रकार से नदियाँ बहती है, हल्के हल्के कुछ कुछ मकान, गांव का परिवेश बिल्कुल अलग होता है। बड़े बड़े पहाड़ ढलती शाम के साथ अपने घर जाती बकरियां, सुंदर सुंदर पेड़, कितने बड़े पहाड़ है देखो सामने, अरावली की ये सुंदर पहाड़ियां। आता पानी कितनी जोरदार घुमा, तो बहुत ही सुंदर होता है गांव का परिवेश। गांव की ये नदियां, कितना खूबसूरत है ये परिवेश, मनमोहक दृश्य, बड़े बड़े पेड़, कुछ नदियाँ, पंछी नदियाँ कवन के जो के तो चलिए चलते हैं कोड़िया गांव से, अब हम रामपुरा की ओर, राम भरोसे। कितना खूबसूरत होते हैं गांव के ये परिवेश, परिपेक्ष देखकर मन पसंद हो जाता है। हमारे इस पूरे क्षेत्र में 5 स्टार 7 स्टार कई स्टार वाली होटलें भी भरी है। सारी 7 स्टार 5 स्टार होटलें सब यही हैं। देख बनाई रोड जाता है जहाँ पर विजय स्तंभ बन रहा है, ये भी 5 स्टार अनंता होटल है।
पानी नहीं, मोटर मोटी बताइए क्रेन लगी, लेकिन वहाँ हमने चलिए पहुंच गए थे सज्जनगढ़। वो रहा सामने सज्जनगढ़ का दृश्य, और देखो देखो स्लोले स्लोले सब गांव के लोग बैठे आराम से। वो रहा सामने सज्जनगढ़, गांव के लोग बहुत बैठे हुए हैं, आलाम फलकाले काम करे आए हैं। तो हमारे यहाँ काम करने वाले लेबर क्लास लोग बहुत रहते हैं, मित्री वित्री सब इधर ही रहते हैं। वो ला सज्जनगढ़, वो सामने सज्जनगढ़ का खूब तुल दर्जा देखो, ये ला सज्जनगढ़। यहाँ पीते भी बहुत है लिख करके लोग, हिलते भी बहुत है।